ना क्यों शुरू हो जाते हैं? कि ये जो ब्लड वेसल्स एक छलनी की तरह काम करते हैं, इसको डैमेज करता है डेंगू का इन्फेक्शन। ब्लड प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट कितना होता है? दिस इज स्ट्रॉन्ग साइन कि पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है। डेंगू जो है वो काले कपड़े पहनने वाले लोगों को सबसे ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी में अगर डेंगू हो रहा है तो उसको बहुत ही केयरफुली डील करना होता है। बकरी का दूध पीने से भी ब्लड प्लेटलेट्स काउंट आपका बढ़ जाता है, बिकॉज उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हाई होते हैं। फलों में कीवी फल बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है डेंगू में। देखिए, देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर डेंगू। पपीते के पत्ते का जूस पीने से आपके जो ब्लड प्लेटलेट्स काउंट है वो आपका बढ़ जाता है? नहीं, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है, ना हमने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा देखा है। डेंगू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है? कंटेजियस नहीं है डेंगू, बिकॉज इट्स ए मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। साथियों, मौसम में जब जब बदलाव आता है अपने साथ बीमारियां लाता है। सर्दी से गर्मी हो, गर्मी से बरसात हो, अभी कुछ दिनों पहले प्रचंड गर्मी थी, उसके अपने रोग थे, और अब गर्मी से बरसात आ गई है, इसके अपने रोग हैं। जब बरसात होती है तो कई सारी बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं, जैसे वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, एयर बॉर्न डिजीजेज हैं, मच्छरों से काटने से कई सारी बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं, वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन इन तमाम सारी बीमारियों में एक बीमारी ऐसी है जो हर साल कई लोगों की मौत की वजह बनती है। प्रशासन उसे रोकने में हर बार नाकाम हो जाता है। इस बीमारी का नाम है डेंगू, डेंगू भी बोलते हैं लोग। आज हमारे साथ डॉक्टर संतोष अग्रवाल हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, इंटरनल मेडिसिन में डील करते हैं, 15 साल से ज़्यादा इनका अनुभव है। डॉक्टर संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो बरसात का मौसम आता है लेकिन अपने साथ साथ बहुत सारी बीमारियाँ भी लेकर के आता है, ये बीमारियाँ कौन कौन सी हैं, ज़रा समझा दीजिए। देखिए सर, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ जो बरसात के मौसम में फैलती हैं वो होती हैं आपकी रेस्पिरेटरी बॉर्न डिजीजेस, यूजुअली वायरल इन्फेक्शन होते हैं रेस्पिरेटरी बॉर्न डिजीजेस। सेकेंड वन इज़ द डायरियल डिजीज एंड फूड पॉइजनिंग्स, एंड थर्ड वन इज़ द मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस। अब हम मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस की बात करें तो हम जिस सिनेरियो में हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, उसमें वन ऑफ द ड्रेडेड इन्फेक्शन जिसकी बात करते हैं वो होते हैं डेंगू एंड मलेरिया। डेंगू इन्फेक्शन इज़ बहुत ही यूनिक इन्फेक्शन है, वो इसलिए क्योंकि इसका कोई इफ़ेक्टिव एंटी वायरल ड्रग नहीं है अभी तक, न इसकी कोई इफेक्टिव वैक्सीन अभी तक प्रोड्यूस हो पाई है इन इंडिया। दैट्स द रीज़न वाई डेंगू इज़ सो फियरफुल। इसमें मॉर्टेलिटी जो होती है, मॉर्टेलिटी मतलब पेशेंट की डेथ, यूजुअली माइल्ड डेंगू के अंदर डेथ नहीं होती है, बिकॉज इट्स ए सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़। सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शंस मींस ये इन्फेक्शन अपने आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। मोर देन 95% इन्फेक्शंस ओपीडी बेसिस पे ही ठीक हो जाते हैं एंड विद द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ओनली। कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेंगू डेवलप होते हैं कुछ लोगों के अंदर जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, लाइक एल्डरली हो गए, बच्चे हो गए, जो लोग खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, स्पेशली लिक्विड इनटेक और अपनी डाइट और रेस्ट में, इन द टाइम ऑफ फीवर वो अपना काम भी स्टार्ट कर देते हैं एंड डाइट, एक्सरसाइज, इन सब पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं लो होती है, जिसकी वजह से सीवियर डेंगू होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। डेंगू हमारा एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसके 4 सीरोटाइप्स होते हैं उस वायरस के। मैं डॉक्टर साहब इसको समझना चाहता हूँ, और बड़ी सरलता और सहजता से समझना चाहता हूँ, ताकि हर एक आम आदमी को डेंगू के बारे में A to Z सब कुछ क्लियर हो जाए। डेंगू है क्या, पहली बात, दूसरी बात ये फैलता कैसे है, और तीसरी बात इसके कितने प्रकार हैं, ये हमें समझा दीजिए। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है, इसका जो वायरस है वो फैलता है मॉस्किटो बाइट से। मॉस्किटो का नाम होता है टाइगर मॉस्किटो, जिसको हम एडीज मॉस्किटो बोलते हैं। यूजुअली ये जो मॉस्किटो है ये यूजुअली आपका मॉर्निंग आवर्स एंड लेट इवनिंग आवर्स में ही बाइट करता है, बिकॉज इसकी फ्लाइट ज़्यादा हाई नहीं होती है, तो यूजुअली ये जो बाइट करता है आपके लोअर पार्ट्स पे ज़्यादा बाइट करेगा। तो इसीलिए हमेशा बोलते हैं बच्चों को बाहर बारिश के सीज़न में भेजना है तो फुल स्लीव्स के कपड़े एंड फुल ट्राउजर्स पहना के भेजो, क्योंकि ज़्यादातर मॉस्किटोज लोअर पार्ट में बाइट करेंगे। इसके 4 प्रकार होते हैं डेंगू के।
1 to 4 इसके जो वायरसेस हैं दैट इज़ नोन एज सीरो टाइप्स, मतलब किसी भी पर्सन को इन ए लाइफ टाइम 4 बार डेंगी हो सकता है। हर बार जो डेंगी होगा वो डिफरेंट काइंड ऑफ वायरस से डेंगी होगा पेशेंट को, क्योंकि अगर जैसे किसी को टाइप 1 से हुआ है तो उसकी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी उसके शरीर में, नेक्स्ट टाइम टाइप 1 से नहीं होगा, होगा तो बहुत ही माइल्ड। अगर टाइप 2 से हो रहा है तो उसको सीवियर डेंगी होने के चांसेस हाई होते हैं, बिकॉज इट्स ए डिफरेंट वायरस और उसकी एंटीबॉडीज़ उसके पास नहीं है पेशेंट के पास। सो एवरी टाइम अगर डिफरेंट वायरस से सीरो टाइप से उसको इन्फेक्शन है देन सीवियरिटी विल इंक्रीज। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ वायरसेस। 4 बार लाइफ टाइम में डेंगी पेशेंट को हो सकता है। इट इज़ ए मॉस्किटो बॉर्न डिजीज एंड इज ए वायरल। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि ये सुबह और शाम के वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है, दिन के वक्त इसे क्या हो जाता है? सी, इसमें बेसिकली जो रोल होता है वो होता है फीमेल बाइट का। फीमेल्स को जो ह्यूमन ब्लड चाहिए वो अपनी हैचिंग एग्स के लिए चाहिए होता है, एंड दीज आर द ह्यूमिड क्लाइमेट्स। दोनों टाइम पे थोड़ा सा एटमोसफियर ह्यूमिड होता है, सनलाइट नहीं होती है, सो ह्यूमिड एटमोसफियर इनके लिए जो एग जनरेशन और एग प्रोडक्शन के लिए है वो बहुत ही सूटेबल होता है, इसलिए ये टाइम पे ज़्यादा बाइट करते हैं मॉस्किटोज। जी, अब मान लीजिए कि बरसात के दिनों में फीवर होना बड़ी कॉमन सी बात है, अब किसी को बुखार हो गया, उसे ये कैसे पता लगे? क्या शरीर ऐसे संकेत देता है, इसके कुछ अलग लक्षण हैं जिससे वो ये पता कर सके कि ये नॉर्मल फीवर है या फिर ये डेंगी है? सी, जब भी डेंगी के यूजुअली केसेस आते हैं तो वो समटाइम्स इस सीज़न के अंदर एक मास्क स्केल पे आते हैं, लाइक ए एपिडेमिक। देयर आर केसेस ऑल्सो जिनको हम स्कैटर्ड केसेस बोलते हैं, कहीं कहीं एक आध केसेस हो गए, बट इसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं डेंगी के। दैट सिम्टम इज़ हाई ग्रेड फीवर, काफ़ी हाई ग्रेड फीवर होगा पेशेंट के अंदर, विद द सीवियर बॉडी पेन, सीवियर बैक पेन एंड रिट्रो ऑर्बिटल पेन। रिट्रो ऑर्बिटल पेन का मतलब है उसकी आँखों के पीछे काफ़ी दर्द होता है, ये बड़ा स्पेसिफिक होता है डेंगी का लक्षण। उसकी भूख प्यास बहुत जल्दी कम होती है, बिकॉज डेंगी आपके इंटेस्टाइन, लिवर और गॉल ब्लैडर के आसपास स्वेलिंग क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपकी भूख बहुत जल्दी ख़त्म होती है। पेशेंट विल फील नॉन्जिएटिंग ऑल द टाइम, हमेशा उसको लगता है कि वॉमिटिंग की सेंसेशंस हैं। धीरे धीरे जैसे उसकी इलनेस पास होती है, विद इन फ्यू डेज उसको एब्डोमिनल पेन डेवलप हो जाएगा, और ज़्यादा भूख कम हो जाएगी उसकी, एंड पेशेंट लुक सिक। तो ये इसके लक्षण होते हैं यूजुअली, जो थोड़े से स्पेसिफिक हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी को डेंगी हो गया और वो अभी तक ये पहचान नहीं पाया, उसने टेस्ट भी नहीं कराए, डॉक्टर से संपर्क भी नहीं किया कि उसको डेंगी है, तो ऐसी सूरत में डेंगी का जो बुखार है वो कितने दिनों में धीरे धीरे खतरनाक होता जाता है और शरीर के किन अंगों को ज़्यादा प्रभावित करता है? देखिए, ज़्यादातर डेंगी की जो इलनेस है विद इन 7 to 10 days सेल्फ लिमिटिंग इलनेस बोलते हैं, अपने आप से ठीक हो जाती है विद द सिंपल ट्रीटमेंट्स लाइक पैरासीटामोल और एनी अदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, फ्लूइड इनटेक। अगर पेशेंट विद इन अ वीक ठीक नहीं हो रहा है और उसकी इलनेस 1 हफ्ते से ऊपर निकल रही है, जो कि मैंने सिम्टम बताए कि सीवियर बॉडी पेन, सीवियर हेडेक, रिट्रो ऑर्बिटल पेन, हाई ग्रेड फीवर, नौशिया, वॉमिटिंग, इसमें जो वार्निंग साइंस एंड सिम्टम शुरू होते हैं वो होते हैं सिम्टम्स ऑफ एब्डोमिनल पेन, नौशिया, वॉमिटिंग। दीज आर नोन एज दी वार्निंग साइन और साइंस ऑफ सीवियरिटी। अगर किसी भी डेंगी के पेशेंट में किसी भी, वी विल नॉट से डेंगी, वी विल से फीवर, अगर किसी भी फीवर के पेशेंट में विद इन अ वीक और आफ्टर अ वीक, जस्ट वीक को टच कर रहा है, एब्डोमिनल पेन, नौशिया, वॉमिटिंग शुरू हो जाए और फीवर सबसाइड कर जाए, फीवर उतरने लग जाए, आप मान के चलिए कि ये डेंगू के बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव लक्षण है। डॉक्टर साहब, डेंगू में एक सबसे बड़ी जो बात निकल के आती है वो होती है ब्लड प्लेटलेट्स का डाउन होना। ब्लड प्लेटलेट्स डाउन होना क्यों शुरू हो जाते हैं, और सबसे पहले तो हमें बता दीजिए कि ब्लड प्लेटलेट्स होती क्या है और इनकी अहमियत क्या है हमारे शरीर में? देखिए, हमारी बोन मैरो जो कि हमारी ब्लड सेल्स जहाँ पे फॉर्म होती हैं उसको बोलते हैं बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर देयर आर फ्यू सेल लाइंस, रेड ब्लड सेल लाइंस, वाइट सेल ब्लड लाइंस एंड प्लेटलेट लाइंस। ये 3 सीरीज होती हैं जो कि बोन मैरो बनाती है सेल्स को, उसमें से एक होती है प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट हमारे शरीर में इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग को रोकते हैं, अदरवाइज हमारे शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है अगर प्लेटलेट्स कम हों या डिफेक्टिव हों। तो प्लेटलेट का मेन रोल होता है ब्लीडिंग को रोकना और
ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मली ब्लड वेसल्स में ठीक अपनी गति से ठीक रखना। अगर किसी पेशेंट की प्लेटलेट सडनली ड्रॉप हो जाए, जैसे कि कुछ इन्फेक्शंस में होता है और कुछ दूसरी कंडीशंस में होती हैं, तो ब्लीडिंग के चांस बहुत हाई होते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट कितना होता है? नॉर्मल काउंट ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स का होता है 1.5 to 4.5 lakhs। ठीक है, तो यूजुअली ब्लीडिंग नहीं होती है अगर प्लेटलेट 50,000 प्लस में है। 50,000 के ऊपर भी ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं प्लेटलेट्स में। उसके नीचे जैसे जैसे प्लेटलेट फॉल करती हैं, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ते जाते हैं। यूजुअली ब्लीडिंग जो देखी गई है डेंगू इन्फेक्शन या दूसरे इन्फेक्शंस में देखी गई है, इफ़ द प्लेटलेट काउंट इज़ लेस देन 10 to 20,000। तो डेंगू के अंदर भी ये थ्रेशोल्ड रखी जाती है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स की, कि अगर पेशेंट का ब्लड काउंट प्लेटलेट काउंट 10 to 20,000 है तो उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अनटिल एंड अनलेस पेशेंट को कोई एक्टिव ब्लीड नहीं हो। तो हम लोग यूजुअली जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं पेशेंट को, अगर उसको एक्टिव ब्लीड नहीं है तो 10,000 के नीचे शुरू करते हैं उसको। एडीज मच्छर में ऐसा क्या होता है कि ये सीधा जा करके ब्लड प्लेटलेट्स को हिट करता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि वो प्लेटलेट को हिट करता है, ये नहीं है, वो प्लेटलेट को हिट नहीं करता है। प्लेटलेट्स काउंट गिरता क्यों है? यस, वो हिट करता है ऐसे सिस्टम को जिसको हम इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं, साइटोकाइन। जो कुछ सिस्टम्स होते हैं बॉडी के अंदर ना, इम्यूनिटी रिलेटेड सिस्टम्स, तो उसको जब अफेक्ट करता है तो साइटोकाइन लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं शरीर के अंदर ना। जब वो बढ़ते हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक्ट करती हैं कि हमारे कुछ कंपार्टमेंट्स को सेपरेट रखें हर चीज़ को। लाइक ब्लड वेसल्स ब्लड को अलग करके रखती हैं और सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को अलग करके रखती हैं। डेंगू के अंदर क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल्स एक छलनी की तरह काम करते हैं, इसको डैमेज करता है डेंगू का इन्फेक्शन। जब इसको डैमेज करता है तो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है वो लीक होने लग जाता है, वो होल्ड नहीं कर पाता वेसल्स के अंदर। जैसे ही प्लाज्मा लीक शुरू होता है, पेशेंट को हीमो कंसंट्रेशन मतलब उसका खून गाढ़ा होने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ब्लड शरीर में 13 है हीमोग्लोबिन, अगर किसी को डेंगू इन्फेक्शन शुरू हो गया और उसको प्लाज्मा लीक शुरू हो गई, तो उसका पता चलेगा विद इन 2 डेज उसका हीमोग्लोबिन आपको ब्लड में रिफ्लेक्ट होगा 16। दिस इज़ ए वेरी बैड साइन इन डेंगू। यूजुअली क्या करते हैं, जो कि आम लोगों में धारणा है कि वो प्लेटलेट्स देखते हैं, बट एज ए डॉक्टर सबसे पहले मैं देखूंगा प्लेटलेट्स नहीं, पेशेंट का हीमोग्लोबिन कितना है। हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाता है? यस, हीमोग्लोबिन लेवल अगर किसी भी पेशेंट का बेसलाइन हीमोग्लोबिन किसी का भी अगर 13 है मान लो, और वो कहता है कि मेरा डॉक्टर साहब 16 हो गया हीमोग्लोबिन और मुझे बुखार आ रहा है, दिस इज स्ट्रॉन्ग साइन कि पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है, चाहे उसको प्लेटलेट काउंट उस टाइम पे नॉर्मल हो। तो जब हीमो कंसंट्रेशन शुरू होती है पेशेंट की, हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू होता है, यहीं से उसके कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बार बार उल्टियों का मन करना या उल्टियाँ आना, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है पेशेंट की, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, एब्डोमिनल पेन, और प्लेटलेट बहुत जल्दी फॉल करती हैं व्हेन देयर इज हीमो कंसंट्रेशन। यही वाला फेज होता है जहाँ पे प्लेटलेट गिरना शुरू होती हैं पेशेंट की। सो दिस इज द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डेंगू। इसको हमें तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए एक्सपर्ट के अंडर, और तुरंत जितना जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए किसी को फीवर है, अब चूंकि बरसात का मौसम है और डेंगू का डर भी बहुत रहता है, तो ऐसी सूरत में कोई कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनसे ये कंफर्म हो जाए कि हाँ ये डेंगू है या नहीं है? बिल्कुल है, डेंगू के कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं जिसको हम NS1 एंटीजन बोलते हैं। NS1 एंटीजन जो है हमें विद इन 1 to 3 डेज रिजल्ट पॉजिटिव शो कर देता है। और भी उससे ज़्यादा इफेक्टिव टेस्ट होते हैं विच आर जो यूजुअली नहीं कराए जाते हैं, दैट इज़ द PCR। PCR इज़ एक्सपेंसिव, तो हर केस में PCR की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज जब भी डेंगू होता है तो देर आर नंबर ऑफ केसेस सिम्टोमेटिकली पेशेंट जो जिस सिम्टम्स से आता है डॉक्टर को पता चल जाती है कि डेंगू है, एंड NS1 यूजुअली पॉजिटिव आ जाते हैं। अगर पेशेंट एक हफ्ते के बाद और फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 1 वीक और 10 डेज आ रहा है, तो उस केसेस में NS1 नेगेटिव हो जाता है, फिर उसके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो डेंगू के जो एंटीबॉडीज़ हैं वो पॉजिटिव आने लग जाते हैं। तो देर आर एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी टेस्ट्स विच कैन डिटेक्ट डेंगू एट एन अर्ली स्टेज। ओके डॉक्टर साहब, पेशेंट आपके पास आते हैं और ये भी पता लग गया कि इनको डेंगू है,
तो उस सूरत में डेंगू का सबसे मजबूत और मुकम्मल इलाज क्या है? देखिए, सबसे पहले तो पेशेंट को हमें ये असेस करना है कि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन का सिम्टम तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने बताया, अगर पेशेंट का ओरल इंटेक ठीक है, अगर उसको कोई नौशिया वॉमिटिंग नहीं है, अगर उसको एब्डोमिनल पेन नहीं है, तो दैट पेशेंट कैन बी मैनेज्ड ऑन ओपीडी बेसिस। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि पेशेंट को आपको एनकरेज करना है, फैमिली को एनकरेज करना है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इंटेक दें। उसका खाना चाहे कम ले पेशेंट, बट उसका फ्लूइड इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, स्पेशली प्लेन वाटर। तो प्लेन वाटर हैज़ ए वेरी गुड रोल इन माइल्ड केसेस, जिसको हम ओपीडी बेसिस पे इजीली मैनेज कर लेते हैं विद द सिम्टोमेटिक मेडिकेशंस आल्सो। दवाइयाँ कौन कौन सी इसमें कारगर होती हैं? यूजुअली देखिए, इसमें कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती है, देयर इज़ ओनली सिम्टोमेटिक मेडिकेशंस। लाइक अगर पेशेंट को फीवर है तो वी कैन यूज़ पैरासीटामोल, अगर पेशेंट को नौशिया वॉमिटिंग की फीलिंग है वी कैन यूज़ टैबलेट्स, उसके लिए आते हैं। बॉडी पेन हो रहा है, सेफर इज़ द पैरासीटामोल। बाकी मेडिकेशंस जो पेन किलर होते हैं वो डेंगू में या किसी भी वायरल बुखार में अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि उसका रिस्क रहता है प्लेटलेट काउंट को अटैक करने का। इसलिए हमेशा एडवाइजेबल होता है कि जब भी आपको इस सीज़न में बुखार हो तो मान के चलो डेंगू हो सकता है, तो सिर्फ पैरासीटामोल इज सेफर ऑप्शन। जिन लोगों को डेंगू है उन लोगों को किन चीज़ों से परहेज़ रखना चाहिए? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जिनको फीवर आया है, डेंगू है, प्रूवन है, उनको सबसे पहले तो रेस्ट करना है, उनको हेल्दी डाइट लेनी है एंड लिक्विड, जिसमें प्रेफरेबली लिक्विड्स ज़्यादा होने चाहिए। कोई अभी इस टाइम पे जब भी फीवर हो और डेंगू पॉजिटिव हो, पेशेंट को कोई ऐसी स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं करनी है, लाइक जिम और एक्सरसाइज और अपना फील्ड का काम, वो नहीं करना है। जस्ट टेक अ रेस्ट फॉर फ्यू डेज। जैसे जैसे सिम्टम इसके सबसाइड करने लग जाते हैं, पेशेंट विल फील बेटर, उसको अपने आप शरीर में पता लग जाता है कि नाउ आई एम फाइन, आई कैन गो, तो काम पे जा सकते हैं, वो अपना नॉर्मली जो काम है वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनकी कोख में बच्चा होता है और उनको अगर डेंगू हो जाता है तो ये उनके लिए कितना ख़तरनाक है? ये एक्चुअली ना दोनों के लिए अच्छा नहीं होता है अगर प्रेगनेंसी में डेंगू हो रहा है। एक तो प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज़्यादा ओरल इंटेक नहीं कर पाती हैं बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, मल्टीपल नौशिया वॉमिटिंग इश्यूज़, एब्डोमिनल ब्लोटिंग होती है, डिस्टेंशन होता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड नहीं दे सकते। अगर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा आईवी फ्लूइड नहीं दे सकते पेशेंट को, बड़ा ही लिमिटेड एंड बहुत ही कैलकुलेटिव फ्लूइड दिया जाता है। उसके सिम्टम्स पे बहुत ही क्लोज वॉच रखी जाती है और उसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट का भी रोल होता है कि रेगुलरली बेबी का हार्ट बीट मॉनिटर करते रहें। तो प्रेगनेंसी में अगर डेंगू हो रहा है तो उसको बहुत ही केयरफुली डील करना होता है बिकॉज उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हाई होते हैं। संतोष जी, एक चीज़ और देखी गई है, डेंगू में चूंकि ब्लड प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं तो ऐसे में ज़्यादातर लोग कुछ देसी उपाय करना शुरू कर देते हैं। इसमें कहते हैं सबसे पहला कि पपीते के पत्ते का रस लीजिए और इससे ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे पास भी पेशेंट ऐसे आते हैं बट यूजुअली उनको ना उस चीज़ से कॉम्प्लिकेशन ही होते हैं कुछ ना कुछ, बिकॉज किसी भी ट्री के या किसी भी कोई भी लीव्स होती है वो इरिटेंट होते हैं, दिस आर नॉट पैलेटेबल। तो जब भी पपीते के पत्ते का जो जूस पीते हैं उनके यूजुअली गैस्ट्राइटिस डेवलप हो जाती है, उनके अगर थोड़े बहुत सिम्टम होते हैं वो और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं। तो साइंटिफिकली कहीं भी प्रूवन नहीं है, कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं हुई है कि पपाया लीव्स या गोट मिल्क या कुछ और फ्रूट या एनीथिंग फूड आइटम के प्लेटलेट बढ़ा सकता है या आपको डेंगू से प्रोटेक्ट कर सकता है, ऐसा कहीं पे भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। लेकिन डेंगू के पेशेंट तो खूब बकरी का दूध जो है वो लोग बड़े महंगे दामों में खरीदते हैं, इस मौसम में बकरी का दूध जो है वो डबल और ट्रिपल रेट पे चला जाता है। अगर फेथ किसी को ठीक कर रहा है ना तो अच्छी बात है, ये दिस इज ए फेथ। बट साइंस क्या कह रहा है? साइंस में ऐसा कहीं भी नहीं है मेंशनड, साइंस में नहीं है कि आपको कि किसी का मिल्क, गोट मिल्क या पपाया लीव्स या किसी से भी प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, क्या डेंगू को लेकर के कोई वैक्सीन या कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ क्या हैं हमारे पास? देखिए, देयर इज़ नो स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर डेंगू अभी तक। वैक्सीन भी अंडर ट्रायल है,
उसकी वजह है बिकॉज ऑफ दीज फोर स्ट्रेन्स। डेंगू के चार वायरसेस जो मैंने शुरू में बताए थे वो उसके सामने आती हैं चीज़ें, इसीलिए इसकी वैक्सीन इतनी डिले है, वरना इसकी वैक्सीन बहुत पहले आ जाती अगर सिंगल वायरस होता। ICMR की एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के मुताबिक इस पर काम जारी है और इसके फर्स्ट एंड सेकेंड फेज इसका क्लियर हो चुका है, थर्ड फेज अभी बाकी है, उसका ट्रायल जारी है। आपको क्या लगता है, अगर हमने कोरोना की वैक्सीन ले ली, हमने कोरोना जैसे खतरनाक वायरस को डिफीट कर दिया, तो डेंगू का वैक्सीन कब तक आ जाना चाहिए आप? देखिए, मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू WHO एंड CDC, जो सबसे बड़ी बॉडीज़ हैं वर्ल्ड में जो डेटा रिलीज़ करती हैं, मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज इज़ द नंबर वन किलर इन द वर्ल्ड, इवन मोर देन कैंसर एंड हार्ट डिजीजेज। तो अगर इसकी वैक्सीन आ जाती है तो आप खुद सोच लो कितनी लाइफ्स हम सेव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, डेंगू को लेकर के आपने बहुत सारे प्रश्न थे, उनके सबके जवाब जो है आपने बहुत सहजता से और बड़ी सरलता के साथ दिया। यकीनी तौर पर लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत कारगर साबित होगी। डॉक्टर साहब, डेंगू को लेकर के बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमारे समाज में फैले हुए हैं। बतौर डॉक्टर, मैं ये हमारा एक रैपिड फायर सेशन है जिसमें हम आपसे सवाल पूछेंगे और उनका आप जवाब देंगे। क्या हम ये सेशन शुरू कर सकते हैं? क्या डेंगू सिर्फ ह्यूमंस को इफेक्ट करता है? डेंगू इज एक्सक्लूसिवली ह्यूमन इन्फेक्शन। डेंगू का मच्छर केवल दिन में ही काटते हैं? दिन में, मैंने बताया आपको कि दिन में यूजुअली जो ह्यूमिड टाइम होता है, डॉन एंड डस्क बोलते हैं जिसको, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग, इसी में यूजुअली एक्टिव होता है वायरस। डेंगू का सबसे ज़्यादा असर बच्चों को, बुजुर्गों को और महिलाओं को ही होता है? जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं वो आप ठीक करें, बिकॉज ऑफ एक तो इम्यूनिटी बच्चों की एंड एल्डरलीज की कम होती है, एंड दूसरा ओरल इनटेक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, फ्लूइड इनटेक। यूजुअली बच्चे, लेडीज़ एंड बुजुर्ग अपना वो फ्लूइड इनटेक मेंटेन नहीं कर पाते। डेंगू जो है वो काले कपड़े पहनने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा होता है? मैंने एक्चुअली ये पढ़ा तो नहीं है कहीं, बट ये थोड़ा सा कॉमन है, मैंने भी देखा है, बट आई हैव नॉट रेड दिस थिंग कि ब्लैक या डार्क कलर्ड क्लोथ वालों में ही होता है। ब्लड प्लेटलेट्स अगर आपके कम हुए तो आपको डेंगू ही है? नहीं, ऐसा नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ अदर इन्फेक्शंस जिसमें प्लेटलेट काउंट कम होता है। पपीते के पत्ते का जूस पीने से आपके जो ब्लड प्लेटलेट्स काउंट है वो आपका बढ़ जाता है? नहीं, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है, ना हमने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा देखा है। बकरी का दूध पीने से भी ब्लड प्लेटलेट्स काउंट आपका बढ़ जाता है? नहीं, ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं है, ना कोई प्रैक्टिकली मैंने देखा ये चीज़। फलों में कीवी फल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है डेंगू में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी विटामिन सी फ्रूट अगर आप लेते हैं तो वो इन्फेक्शंस में थोड़ा सा इसलिए फ़ायदेमंद होता है कि विटामिन सी इज़ रिक्वायर्ड फॉर इम्यूनिटी, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कीवी को वो महत्व दिया गया है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। डेंगू केवल बारिश के मौसम में ही फैलता है? नहीं, ऐसा नहीं है, मिथ है। अगर आपको एक बार डेंगू हो गया तो वो आपको दोबारा नहीं हो सकता? ये भी मिथ है, आपको लाइफ टाइम में चार बार डेंगू हो सकता है। डेंगू एक बार ठीक हो जाए तो दोबारा होने का खतरा भी खत्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अगर डेंगू एक बार हो गया है, सेकंड टाइम फिर हो सकता है दूसरे वायरस से। डेंगू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है? कंटेजियस नहीं है डेंगू, बिकॉज इट्स ए मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, इट्स नॉट के एक ह्यूमन से, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट फैलती है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब बहुत आसानी से हमें दिया। इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं चार अहम बातें आपसे समझना चाहूँगा कि वो लोग जो स्वस्थ हैं और उनको डेंगू ना हो, अगर किसी को फीवर हो गया है और डेंगू भी हो गया है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, चार बातें अपनाइए और फीवर या फिर डेंगू से मुक्ति पाइए, बता दीजिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इन्फेक्शन में, दैट इज़ द प्रिवेंशन। अपनी सराउंडिंग्स को बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा रखें। सेकेंड वन इज़ द आपका फ्लूइड इनटेक इस सीज़न के अंदर, बिकॉज देयर इज़ ए लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी, अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें। अपना फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, पजामास एंड शर्ट्स फुल स्लीव्स होनी चाहिए। घर में आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स और ये सब यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ वन इज़ द, अगर आपको फीवर आ रहा है, डोंट टेक इट लाइटली। आप फीवर को पैरासीटामोल लेके सबसाइड करें। अगर आपका फीवर, आपको लगता है कि फीवर कुछ दिन से ऊपर जा रहा है, देन टेक द एक्सपर्ट एडवाइस। देखिए, मौसम बदलता है, मौसम आता है, मौसम जाता है, अपने साथ बीमारियां भी लाता है,
लेकिन ये बीमारियां आपके ऊपर असर ना करें उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप सावधानी बरतें, आप एक्सपर्ट डॉक्टर्स जो सलाह देते हैं उनको माने, और अगर किसी भी तरीके का संकट आपको महसूस हो रहा है तो फौरन आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें और प्रॉपर ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करें, ना कि इस तरीके के देसी इलाज करें। कई बार क्या होता है कि जब आप इन देसी इलाजों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो अपनी सेहत को और ज़्यादा मुश्किलों में डाल देते हैं। हमने आज डेंगू को लेकर के ये जो सेशन किया, डॉक्टर संतोष अग्रवाल जी ने हमें बहुत सरल तरीके से डेंगू के बारे में पूरे सवालों के जवाब हमको दिए। इस सेशन की एक एक लाइन यकीनी तौर पर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। इस सेशन को बार बार देखिए, समझिए, उसे अपनाइए, अपने आसपास के लोगों में भी सर्कुलेट कीजिए ताकि डेंगू का जो डंक है वो आप तक ना पहुंच सके। डॉक्टर संतोष अग्रवाल जी, आप आए हमारे स्टूडियो में और आकर के इतनी सरलता के साथ आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच।